गुरुजी नमस्कार। मुझे एक अनुभव आया कि मैं योग में बैठा हूँ और योग से ध्यान से उठा और अपने मतलब अपने दाएं हाथ को देखने लगा तो उससे नीले रंग की आग की लपटें निकलने लगी। आपका नाम क्या है? राहुल कुमार। कहाँ से आए? न्यू दिल्ली। नीले रंग की आग की लपटें निकलने लगी जी। तो इतने में मेरी मम्मी आ रही थी तो मुझे ध्यान आया कि इनको रोक दूं, ये मुझे अगर स्पर्श कर लेंगी तो मेरी ये लपटें बंद हो जाएंगी। तो इससे पहले बोल पाता कि उन्होंने मुझे छू लिया और जो मेरे हाथ से एनर्जी निकल रही थी वो बंद हो गई। उसके बाद भी मेरे अंदर इतनी एफिशिएंसी थी कि मतलब रेडिएशन निकल रही थी मेरे हाथ से, वो भी हीट एनर्जी की फॉर्म में, मतलब ऊष्मा निकल रही थी और वो काफ़ी दूर तक जा रही थी। मैं किसी को भी उससे प्रभावित कर पा रहा था। मुझे छू लिया, मेरी पीठ को छुआ और वो मैं उनको मना ही करने वाला था उससे पहले छू दिया और वो बंद हो गई। और मैंने उनसे कहा चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से अभ्यास करके इसी अवस्था को प्राप्त कर लूँगा, लेकिन अब दोबारा मुझे स्पर्श मत करना अगर कभी मेरे साथ ऐसा हो तो। और फिर मतलब मेरे हाथ में तब भी इतनी एनर्जी थी कि रेडिएशंस निकल रही थी, मैं सेंस कर पा रहा था। आप ध्यान करते हैं? हाँ। आपके घर वाले, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ। मम्मी पापा हैं? हाँ। विरोध तो नहीं करते हैं? नहीं। तो फिर ऐसा दृश्य क्यों महाराज, मम्मी ने पीठ में आप रखा और ये बंद हो गए? मुझे नहीं पता, बट मैं आराम से 2 घंटा डेली कर लेता हूँ। फिर इसके बाद ऐसा दृश्य नहीं आया? इससे पहले और अनुभव आए लेकिन ये अभी बीच में एक हफ्ते में इतना बिजी शेड्यूल था, मैं बॉम्बे चला गया था और फिर यहाँ शिविर में आ गया तो इतना अभ्यास नहीं कर पाया, तो दोबारा ये अनुभव नहीं मिला, ऐसा कोई अनुभव नहीं आया। ये सब मैं जब प्राणायाम में बहुत ही कठोरता से करने लगा तब होना शुरू हुआ। तो साफ जाहिर है कि प्राणायाम जब कठोरता से करेंगे आप अंदर से बताओगे तो योग बल निकलेगा, विशेष प्रकार की किरणें हैं निकलने लगती हैं। लेकिन ये जो कि मम्मी ने पीछे हाथ रख दिया और वो नीले रंग की लपटें क्या हैं, आग आग निकल रही थी मेरे हाथ से, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, मैं उसे बस देख रहा था। इसके बाद आपके जीवन में कोई रुकावट आई या इधर उधर व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गई? उसके बाद ही मैं बॉम्बे चला गया, वही रुकावट थी। देखो आप अपने ठीक है, जो हमारे संस्कार होते कर्म होते हैं वो किसी न किसी स्वरूप को धारण करके अपना कार्य कर लेते हैं। तो तुम्हारी मम्मी तो दिखी लेकिन तुमने दूसरे शब्दों में ये कहा कि मेरी मम्मी कोई रुकावट नहीं है अध्यात्म मार्ग। पक्का पता मम्मी तुम्हारी रुकावट तो नहीं डालती है? नहीं, वो मुझे सपोर्ट करती है। सपोर्ट करती हैं तो तुम्हारी वो मम्मी नहीं है। हाँ, वो जो हमारे कर्म होते हैं किसी न किसी रूप को स्वरूप को धारण करके वो दिखने लगते हैं, आपका ही कर्म इसका अवरोध मार रहा। और जो फिर कुछ दिनों बाद जब भी है आपको जाना पड़ा, इधर उधर व्यस्तता होना या रुकावट आना उस रूप से। तो गुरुजी इस तरह के अवरोध को पार करने के लिए मुझे अपनी तरफ से क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, अवरोध सभी को आते हैं, ऐसा नहीं तुम्हें आया, हर एक साधक को अवरोध आते हैं किसी न किसी रूप में। आपने स्पष्ट बता दिया सभी के सामने, मेरी मुझे मम्मी दिख रही थी किसी, जब वो आप कह रहे हैं कि नहीं सपोर्ट करते हैं तो हो ही नहीं सकते हैं। सत्य तो ये है कि हमारे ही कर्म किसी न किसी स्वरूप को धारण कर लेते हैं। आपने मेरी किताब पढ़ी है कोई? दोनों तत्व ज्ञान पढ़ रहा हूँ अभी। तत्व ज्ञान पढ़ेंगे उत्तर मिल जाएगा, मैं यही कहने वाला था। जब समाधि की अवस्था, आप समाधि की अवस्था में नहीं है लेकिन समाधि की अवस्था में चित्त से कुछ ऐसी वृत्तियां प्रकट होती हैं जो देवताओं का स्वरूप धारण कर लेती हैं। तो बड़े बड़े योगी, वर्तमान की बात बता रहा हूँ, 30-40 साल का जो मैं पिछला जा रहा हूँ वर्तमान का, बड़े बड़े योगी भी भ्रमित हो जाते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि मैं इस देवता का या देवी का अवतार हूँ, ऐसा नहीं होता। बल्कि समाधि अवस्था में जो सत्गुणी वृत्तियाँ होती हैं और अत्यंत सशक्त होती हैं वो किसी भी स्वरूप को धारण करने में वो सामर्थ्य रखती हैं। ये वृत्तियों का कार्य होता है, अच्छी या बुरी सत्गुणी वृत्तियाँ होंगी
तो अच्छे देवताओं का स्वरूप धारण कर लेंगी, तमोगुणी वृत्तियाँ होंगी, तो बुरी तरह के स्वरूप जैसे कि पुरुष काले कलूटे दिखते हैं, बुरे डरावने दिखते हैं, या स्त्री भी हो सकती है काली और डरावनी दिखाई दे। होता क्या है, लगता है कि हमें राक्षस जैसी या डरावनी जैसी चीज दिख रही है, संत दिख रहे हैं, हमारी ही वृत्तियाँ उस स्वरूप में दिख रही हैं और सारा काम सत्वगुण और तमोगुण का होता है। तो ये आपका कर्म है जो इस रूप में आया और आपकी मम्मी को मतलब स्वरूप में वृत्तियाँ हैं, स्वरूप धारण कर लिया उसे ध्यान ना दें, स्वयं आपका कर्म है, आपका अवरोध मार रहा है, इस अवरोध से बिल्कुल ना डरे ना रुकें, ये आपके अंदर का है, वो खत्म हो गया, आप परिश्रम करते रहें, फिर कभी आगे का मार्ग प्रशस्त होगा, इनसे गुजरना जरूरी भी है, ये अवरोध है ना, हम भोगना पड़ेगा या उसे नष्ट करना पड़ेगा। यहाँ अगर यहाँ पर कचरा गिर जाए तो कचरे को साफ करके फेंकना ही होगा, झाड़ू लगा करके या उठा के फेंकना ही होगा। बस आपने थोड़ी रुकावट आई, भोग के नष्ट कर लिया, जैसा कि बताया आपको बाहर जाना पड़ा, तो वो कर्म खत्म हो गया। जब फिर साधना करेंगे आगे का मार्ग प्रश्न हो गया, अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि हमें यानी अवरोध आ गया, बीमार हो गए, अन्य कोई परेशानियां आ गई, पर घर परिवार में परेशानियां आ गई, सत्य तो ये है कि वो कर्म नष्ट हो रहे होते हैं। आगे का मार्ग जब ये कर्म नष्ट हो जाएंगे तुरंत आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, यानी एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। जी, जब जैसे ये अवरोध आते हैं, जैसे मेरी साधना मान लीजिए 2 दिन या 3 दिन के लिए रुक गई, उस वक्त मैं नहीं कर पाया, तो क्या इससे मेरी साधना पीछे की ओर हटने लगती है या वहीं पर रुकी रहती है? अगर आप करते रहेंगे पीछे नहीं जाते हैं, अगर आप लगातार करते रहेंगे उस अवस्था में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप रुके हुए, लगता है कि रुके हुए हैं, बल्कि कर्मों को नाश कर रहे होते हैं, नष्ट कर रहे होते हैं अवरोध के समय। हाँ, अवरोध नष्ट कर रहे होते हैं उस समय, ऐसा लगता है कि हम साधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साधक को भी दृढ़ता के साथ अभ्यास में लगे रहना चाहिए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, ध्यान के समय जब आधा घंटा हो जाता है तो उसके बाद अपना आप ही उद्यान वन लगता है और साथ में कभी कभी मूल वन भी लगने लगता है, और एक दो बार ऐसा दिखा है ध्यान में, दो आँख सी आई, फिर अचानक से गणेश जी की सूंड सी आ जाती है और गणेश जी की थोड़ी सी फोटो सी दिखती है, और गुरुजी रात को सोते समय बस यही है, रात को सोते समय 2-3 बार ऐसे हुआ है कि एक प्रकाश का व्हाइट कलर का बिंदु आता है और उसमें आपका फोटो दिखता है, और वो 2-3 सेकंड के लिए ही होता है स्वप्न अवस्था में। तो आपकी श्रद्धा है, मैं तो अपनी कुटिया में रहता हूँ। आप नाम क्या है आपका? सिद्धीश कुमार। कहाँ से हैं, किस शहर से? वैसे मैं रहने वाला यूपी का ही हूँ, बिजनौर, बट मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, नोएडा। तो हाँ, तो नोएडा से आए। आपकी मतलब आपने जो बताए जो भी कि हमें उद्यान बन लगता है और मूल बन लगता है, एक अच्छी बात है। कितना समय देते हैं? मैं डेली 2 से 2.5 घंटे के बीच में। प्राणायाम कितना करते हैं? प्राणायाम 20-25 मिनट। 25 मिनट कितने बार करते हैं? एक बार, दो बार? एक बार तो करता हूँ, कभी कभी 2 बार भी हो जाता है, मतलब 2 बार, कभी कभी 2 बार में गैप हो जाता है, वरना 1 बार तो होता ही है डेली। एक बार करते हैं, ऐसा करें कि आप 2 बार साधना प्राणायाम करें, कैसे सुबह तो करते ही होंगे, समय मिल जाता ना, शाम को भी कोशिश करें, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है, फिर मजबूरी है। नहीं, शाम के समय सोने से पहले ध्यान करते लेता हूँ। हाँ, ध्यान तो ठीक है, लेकिन ध्यान के अलावा प्राणायाम भी जरूरी है, प्राणायाम की कोशिश करें। आप क्या करते हैं आप? जी, मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। जॉब करता, उसमें कभी समय मिलता है इस समय 12-1 बजे 2 बजे? नहीं, दिन में नहीं मिल पाता। खाना खाने के लिए समय तो देते हो? हाँ, खाना खाने के लिए मिलता है, बट वो ऐसा होता है कि वहाँ पे कर नहीं सकते। अच्छा, चलो खैर, मैं ये कहूँगा जब मौका लगे, छुट्टी वाले समय या हाँ छुट्टी के दिन प्राणायाम, छुट्टी के दिन तब 2 बार नहीं 3-4 बार कर लिया करें, ताकि आपके अंदर शुद्धता है, कुल मिला करके आपकी साधना अच्छी चल रही है। आप पहले भी आ चुके हैं ना शिविर? हाँ, ये मैं तीसरी बार आया हूँ, तीसरी बार दिल्ली, हरियाणा और अब तीसरी बार। और गुरुजी, सुबह को जब ऑफिस के टाइम जाते हैं तो मुझे 1-1.5 घंटा लगता है बस में, तो ऑफिस की बस है तो उसमें मैं आंखें बंद करके बैठता हूँ, तो उसमें कई बार मेरे को जैसे सांप सा दिखेगा और गणेश जी की मूर्ति कई बार दिख जाती है, बट वो ध्यान में ऐसे कई बार नहीं होता, उस टाइम पर दिखता है। और कमर में सीधी करके बैठता हूँ तो ऊपर को प्राणवायु ऊपर को महसूस होती है चढ़ती हुई। कहाँ तक जाती है? यहाँ तक। हाँ, हृदय? हाँ, हृदय यहाँ पे भी कभी कभी लगती है।
ठीक है, आपकी साधना अच्छी है जो कि आप जो तीन चार पहचानें बताएंगे, मैं अभी फिर शाम तक ध्यान करेंगे और आप जैसे साधकों को एक तरफ बैठाएंगे तब सही आकलन होगा। ठीक है कि आप जो भी बता रहे हैं क्या बिल्कुल सटीक है? अगर सटीक है बिल्कुल पक्का तो आपकी साधना अच्छी चल रही है, फिर देखते हैं सोचेंगे। ठीक है, धन्यवाद। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.